भारत और बांग्लादेश के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मैच आज दिल्ली में खेला जाएगा। मुकाबला शाम 7 बजे से अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू होगा। ग्वालियर में पहला मैच जीतकर भारत सीरीज में 1-0 से आगे है। आज का मैच जीतकर टीम इंडिया सीरीज में 2-0 से अजय बढ़त बना सकती है। बांग्लादेश को देखते हुए टीम इंडिया आज कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकती है। पहले टी20 में हर्षित राणा और रवि बिश्नोई को मौका नहीं मिला और दोनों आज प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच अब तक टी20 इंटरनेशनल में 15 मैच खेले गए। 14 में भारत और महज 1 में बांग्लादेश को जीत मिली। ये जीत 2019 में दिल्ली के मैदान पर ही आई थी। आज का मैच भी दिल्ली में ही खेला जाएगा। इसके अलावा भारत ने सभी मुकाबलों में बांग्लादेश को हराया। भारत के लिए इस साल पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, लेकिन वो इस फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं। उनके बाद सूर्य कुमार यादव ने 2024 में भारत से सबसे ज्यादा रन बनाए। उनके नाम 12 मैच में 320 रन है। सूर्य ने पहले मुकाबले में भी 29 रन की पारी खेली थी। उन्हें संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या का भी भरपूर साथ मिला था।